हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग एक टॉपिक देखना शुरू किए थे। उस टॉपिक का नाम था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन देखे थे। इसके बाद फिर कंसंट्रेशन वाला टर्म देखे थे कि कंसंट्रेशन कहते किसको है। कंसंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट रूप देखे थे, मोलालिटी मोलारिटी ये सब चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्या देखना शुरू किए थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और पिछले क्लास में हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन बताए थे और नॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन बताए थे। और साथ ही साथ ये भी बताए थे कि जो डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन है, डाइल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन चार तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है। कितने तरह के? चार तरह के। कौन कौन थे? तो पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या था? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तीसरा क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, और चौथा जो था और अंतिम, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हेलो हेलो हेलो, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसमें हम लोग एक देखना शुरू किए थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर शुरू किए थे। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था सॉल्यूशन का वो था रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग यही टॉपिक देखना शुरू किए थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम आपको क्या क्या समझा चुके थे पिछले क्लास में? सबसे पहले तो प्रेशर वाले टर्म को समझाए थे कि प्रेशर कहते किसको है, फिजिक्स का टॉपिक था ये। इसके बाद हम आपको बताया कि वेपर प्रेशर किसको कहते, और वेपर प्रेशर के बारे में हम आपको बताए थे कि इक्विलिब्रियम पर वेपर के द्वारा लिक्विड पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कराया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे। पहला चीज बताया थे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हमारे पास 10 ml पानी हो तब या 100 ml पानी हो तब, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। और तीसरा चीज हम आपको बताए थे कि टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? चेंज कर जाएगा। क्लियर है? टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। इतनी सारी बातें हम आपको बताए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या शुरू करने जा रहे हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? देखो, पहले मोटे तौर पे हम इसको समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि कोई एक लिक्विड है, कोई एक लिक्विड है। इसके लिए कंडीशन प्रोवाइडेड है। कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर हमको पता है, अब प्रेशर भी इसका, इस सिस्टम का पता है। चलिए, और ये जो लिक्विड है वो प्योर है। वो लिक्विड कैसा है बाबू? प्योर। प्योर वाटर है, प्योर अल्कोहल है, कोई ना कोई वोलाटाइल क्या है? लिक्विड।
अब देखो एक चीज यहां से समझ लो पहले, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। कुछ चीजें होती हैं वोलाटाइल, आएगा इस टॉपिक में खूब आएगा, और कुछ चीजें होती हैं नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल इसको कहेंगे जिसका वेपर प्रेशर जीरो हो। वोलाटाइल किसको कहेंगे? वैसा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वोलाटाइल कहेंगे। वोलाटाइल किसको कहेंगे? वैसा लिक्विड, वैसा कोई चीज जिसका वेपर प्रेशर कितना हो? जीरो। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें, यहां पे अक्सर एग्जाम्पल आएगा ग्लूकोज। क्वेश्चन जब देखोगे तो ग्लूकोज वोलाटाइल है, सॉरी नॉन वो, सॉरी सॉरी वोलाटाइल वैसा लिक्विड जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हो। वोलाटाइल किसको कहेंगे? वैसा लिक्विड जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हो। जैसे वाटर की बात कर लें, वाटर वोलाटाइल है। अल्कोहल की बात कर लें, वोलाटाइल है। बेंजीन की बात कर लें, वोलाटाइल है। टॉलीन की बात कर लें, ये क्या है? वोलाटाइल है। ये सब जो है, फिनोल है, वोलाटाइल है। टॉलिन में ऊपर में CH3 लगा रहेगा, बेंजीन है, बेंजीन में क्या लगा रहेगा? CH3। तो ये जो हम लिक्विड लिखे, ये सब के सब कैसे लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड किसको कहेंगे? वैसा लिक्विड जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हो, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो? बढ़ता जाए। अब नॉन वोलाटाइल किसको कहेंगे? जहां तक नॉन वोलाटाइल की बात करेंगे, तो वैसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर जीरो हो, वैसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर क्या हो? जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। इसमें आपको खूब सारा मिलेगा नॉन वोलाटाइल, याद रखिएगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो? जीरो। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे आपको आएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? नॉन वोलाटाइल। यूरिया, यूरिया ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन वोलाटाइल का एग्जाम्पल है। शुगर, ये सब जो है C12, H22, O11, मॉलिकुलर वेट इसका पता होगा 342। यूरिया का फॉर्मूला जानते होंगे, NH2CuNH2, जरूरत पड़ेगी इन सब की। मॉलिकुलर वेट इसका जानते होंगे 60। ग्लूकोज C6 H12O6, इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है? 1। तो ये जनरली आपको दिखेंगे नॉन वोलाटाइल के रूप में। ये कैसे हैं? नॉन वोलाटाइल। अब ये जो सॉल्वेंट है, ये सब के सब क्या है? वोलाटाइल। चलो इरेज करें। हम देखने जा रहे थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या देखने जा रहे थे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पिछले क्लास में वेपर प्रेशर हम लोग देख चुके थे। तो एज्यूम करते हैं कि कोई ना कोई यहां पे लिक्विड है, और इस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है। इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे कितना है? पी नॉट। क्लियर। अब जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, कैसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है मतलब इसका तो वेपर प्रेशर जीरो होगा। इसके वेपर प्रेशर में इसके द्वारा कोई ऐड नहीं किया जाएगा। जो इसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड था, इसको हम लोग प्योर सॉल्वेंट बोल रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट मान ली है, और हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें क्या किया? ऐड किया।
तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कह रहे हैं, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब यह होगा कि ये कोई इसमें वेपर प्रेशर ऐड नहीं करेगा, मतलब अभी भी पी नॉट है और इसको ऐड करने के बाद बढ़ना कम से कम नहीं है। अगर इसका भी कुछ प्रेशर होता तो ऐड हो जाता, लेकिन इसका वेपर प्रेशर क्या है? जीरो। अब क्या होगा सो आप समझोगे। आप इसको ऐसे समझो कि ये जो सॉल्यूट है, जैसे चीनी को हम लोग पानी में डालते हैं, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको किस में डाले हम? पानी में। तो जैसे आप पानी में डालोगे, ये क्या है कि ऐसा नहीं कि कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऐसा नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल्स अपना प्रॉपर्टीज रिटेन रहेगा, और आपको बड़ा क्लियरली देख के समझ में आ रहा हो कि H2O के कंपेयर में ये मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये क्या होगा कि पूरे वाटर में ये मॉलिक्यूल्स चारों तरफ इस ढंग से मिल जाएंगे, होमोजीनियसली मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर चीनी का इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा तो हमको दिखता नहीं है। तो ऐसा नहीं है सर, जो दिखता है वो भी होता है, कुछ इसी ढंग से होगा। अब आप ये सोचो, थोड़ा एज्यूम करो कि आप डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे, आराम से उछल रहे थे, गाना बज रहा था, उछल रहे थे, और उछलते उछलते क्या हुआ कि ऊपर से कुछ इस ढंग का हम चीज लगा दिए जो ऐसे आप उछले और ऐसे आपको चोट लगा, तो क्या फिर उछलोगे क्या आप? या एक बार जो उछल के आप बाहर निकलने वाले थे, क्या फिर आप निकल पाओगे? क्या नहीं निकल पाओगे? वही यहां पे हो रहा है। देखिए यहां से अगर वेपर, एज्यूम करते हैं कि एक वेपर यहां से बाहर निकलना चाह रहा है, यहां का मोलिकुल्स वेपर बन के बाहर निकलना चाह रहा है, तो ये मोलिकुल्स जब वेपर बन के बाहर निकलना चाह रहा होगा तो क्या करेगा? ये वाला जो बड़ा सा सॉल्यूट मोलिकुल्स है इसको क्या कर देगा? चेक करेगा, बाहर निकलने से रोकेगा। यहां पे भी वही बात होगा, ये मोलिकुल्स निकलना चाहेगा तो ये वेपर बन के अगर निकलना चाहेगा तो इसको क्या करेगा? रोक देगा। ये मॉलिक्यूल्स है, ये भी अगर निकलना चाहेगा तो इसको भी ये क्या कर रहा है बोलोगे? रोक रहा है। मतलब एक चीज क्लियर है कि जितना वेपर बनना चाहिए क्या उतना वेपर बन पाएगा? आपका जवाब होगा कि सर नहीं, उतना वेपर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि शुरू में ये फ्री टू एस्केप थे, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आराम से ये क्या कर रहे थे? उड़ उड़ के जा रहे थे। लेकिन आज जो ये चीनी का मॉलिक्यूल्स है इसको क्या कर रहा है? उड़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्लियर? तो और एक चीज समझेंगे, यहां तक क्लियर है कि मतलब वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जितना वेपर बनना चाहिए रियली में उतना वेपर बन नहीं पा रहा होगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस घटना को क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फिर से समझिएगा, प्योर सॉल्वेंट था, आराम से वेपर बन के ऊपर वेपर बना रहा था और बाद में वही प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था, तो वेपर आराम से बन रहा था। लेकिन जैसे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें आपने मिलाया, सॉल्यूट अब कर क्या रहा है कि ये वेपर बनने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। कैसे कम कर रहा है वो भी समझ में आ रहा होगा कि ये वेपर जब निकलना चाह रहा होगा तो उसको क्या कर दे रहा होगा? ये सरफेस वाले सब इसको क्या कर रहे होंगे? रोक रहे होंगे, इसलिए वेपर क्या होगा? कम बनेगा। और जब वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। जब वेपर ही कम है तो अब यह सब बात है, प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। मतलब एक चीज आप याद रखना कि जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ हम मिलाते हैं, ध्यान रखना नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल। जैसे ही हम कुछ मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे प्योर वाटर था आपके पास, मान लेते हैं कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 100 है, मान लिए हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करोगे। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना मान लिए? 100। अब उसमें सर ग्लूकोज मिला दिए, तो ग्लूकोज मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर हमेशा 100 से क्या होगा? कम होगा। वेपर प्रेशर हमेशा 100 से क्या होगा? कम होगा, बशर्ते कि और कोई कंडीशन में चेंजिंग आप नहीं किए, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दो, ये सब हम लोग कुछ नहीं किए।
जो टेम्परेचर था नॉर्मल टेम्परेचर था वहां पे उसका वेपर प्रेशर कोई लिक्विड का 100 था, कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना था 100। उसमें जब हम आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 100 जो था 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है इसके एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है? इसके एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है? तो अब वेपर प्रेशर कम हो गया, अब मान लेते हैं कि फाइनल वेपर प्रेशर जो हो गया वो पीएस हो गया। मान लेते हैं कि फाइनल वेपर प्रेशर कितना हो गया, पीएस। प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर पी नॉट था, और जब उसमें कुछ सॉल्यूट मिला तो सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, पीएस हो गया। और एक चीज याद रखना कि हमेशा पी नॉट का वैल्यू अधिक होगा एज कंपेयर टू पीएस। पी नॉट का वैल्यू अधिक होगा एज कंपेयर टू पीएस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? कैसे इसको हम कोलिगेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, ये थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखो बाबू, ये देखो, एज्यूम करते हैं इसी फिगर में। अभी तो माई देवे यहाँ पे कितने लोग थे रोकने वाले, 1 2 3 4 5 6 लोग रोकने वाले थे। अब क्या है कि अगर हम और सॉल्यूट इसमें ऐड कर दें, और सॉल्यूट बहुत ज्यादा ऐड कर दें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, सॉल्यूट का नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सॉल्यूट का नंबर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं तो इनके रोकने वाले की संख्या क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? तो ज्यादा रोकने वाले हो जाएंगे मतलब और कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन हम समझना चाहें, जैसे एज्यूम करते हैं कि एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं कि 100 है। इसका वेपर प्रेशर कितना है बाबू, 100। अब हमने क्या किया कि इसी लिक्विड में हमने 1 मोल ग्लूकोज मिलाया। 1 मोल क्या मिलाया, ग्लूकोज। तो इसका वेपर प्रेशर 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लेते हैं थोड़े देर के लिए कि बाय द वे घट के कितना हो गया, 1। यहां तक तो बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे आप लिक्विड में कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो, ग्लूकोज मिला रहे हो, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऐसा करते हैं कि इसमें हम 1 मोल के जगह पे 1 मोल के अलावा फिर 1 मोल और ऐड किए, मतलब टोटल कितना ऐड कर दिए, 2 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिए, 2 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिए। तब अब क्या होगा कि 80 से भी कम हो जाएगा। एज्यूम करते हैं कि कितना हो गया, 70। ये हो सकता है कि डेटा सही नहीं हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि शुरू में अगर 100 है, 1 मोल मिला है तो 100 से कम होगा। अगर 2 मोल मिला है तो इससे भी कम हो जाएगा, 100 से और ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब 80 से कम। मान लिए कि शुरू में 100 था, 1 मोल मिलाने के बाद 80, 2 मोल मिलाने के बाद 70, 3 मोल मिलाने के बाद हो सकता है 60 65 40, ऐसा कुछ आ जाए। क्लियर? मतलब सॉल्यूट जैसे जैसे मिलाते जाओगे वेपर प्रेशर और क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी को कम करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है? अभी तक हमने क्या सीखा? अगर अभी तक की बातों को हम कंक्लूड करें तो हम एक लाइन सीखे हैं कि सर, अगर प्योर लिक्विड में हम कुछ मिलाते हैं, प्योर लिक्विड में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है? और ये जो वेपर प्रेशर कम होना है वो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट जो है एस्केपिंग टेंडेंसी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम स्पेस मिल रहा होगा यहां से उड़ने के लिए, स्पेस इसको क्या मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इरेज कर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोई पूछे कि सर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर जब कभी प्योर सॉल्वेंट में
कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था बाबू, पी नॉट था। एंड एंड आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेपर प्रेशर बिकम्स पीएस। मैंने क्या कहा कि कोई प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर क्या था, पी नॉट, और जब उसमें कुछ मिलाए, जो मिलाए थे नॉन वोलेटाइल था और साथ ही साथ कैसा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पीएस। नॉन वोलेटाइल तो समझाए हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वैसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl की बात करें, NaCl पानी में जाने के बाद क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, आप सबको पता है Na++Cl- में, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ऐसा नहीं कि ये डिसोसिएट करता है, ये डिसोसिएट नहीं करता है, पानी में जाने के बाद C6H12O6 ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो वेपर प्रेशर क्या हो गया। अगर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ दें यहां पे कि मेरे पास पानी है और एक शरबत है, पानी में चीनी मिला हुआ है, दोनों में वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा, एक सेकंड सोचो और जवाब दो, दोनों में किसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, तो आपको जवाब होगा कि नहीं सर, पानी का वेपर प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि जैसी आप सर चीनी मिलाए हैं, चीनी मतलब सॉल्यूट मिलाए हैं, तो सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट है दूसरा क्या है, सॉल्यूशन है, दोनों में किसका अधिक वेपर प्रेशर होगा, तो सर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चीज हम लोग क्या किए हैं, मिलाए हैं। क्लियर है? तो फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे, शुरू में वेपर प्रेशर पी नॉट था, बाद में कितना हो गया, पीएस हो गया, तो कितना का चेंजिंग हुआ होगा। लोअरिंग की बात करें, डेल पी से डिनोट करते हैं, डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीएस। कोई दिक्कत? शुरू में पी नॉट था, शुरू में 100 था, बाद में 80 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कितना कम हुआ, डेल पी अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 100 माइनस 80 या पी नॉट माइनस पीएस, इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे बढ़े, अब देखिए, अब लेकिन हमको पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पूरा जो टर्म था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए, जब भी कभी अगर रिलेटिव टर्म निकालना हो तो हम लोग करते क्या है कि जो ये लोअरिंग का रिलेटिव निकालना है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर। क्या कर देंगे, अगर कोई हमसे कहे कि RLVP बताओ, RLVP, तो RLVP इक्वल टू हो जाएगा डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम लोग जो रेशियो होगा इसी को हम लोग कहते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर आगे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो पी नॉट के डेल पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि डेल पी इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, तो डेल पी के जगह पे मैंने पुट कर दिया पी नॉट माइनस पी एस। और एक लाइन और लिख सकते हैं, तो देखो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, वन माइनस पी एस बाय पी नॉट, क्या? अब जो एकदम जिनको दिक्कत होगा, चलो भैया उनके लिए हम बता दें, ये दोनों का बट्टा है तो इसको भी बट्टा लिख सकते हैं, इसके भी बट्टा लिख सकते हैं, इसको बाई ई करेंगे तो वन हो जाएगा, अब पी एस माइनस पी नॉट, क्लियर। अगर हम आर एल वी पी को और आगे थोड़ा कम बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि आर एल वी पी इज इक्वल टू वन माइनस पी एस बाय पी नॉट। बोलिए अब ऐसा करते हैं कि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, अक्सर यहां से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आर एल बी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट मींस डेल पी बाय पी नॉट, डेल पी के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, सॉल्व कर दिया वन माइनस पी एस बाय पी नॉट, क्लियर है। चलो एक लाइन और लिखी देते हैं, एक जगह एनसीईआरटी में शायद इसका यूज हुआ है और क्वेश्चन कभी ना कभी हम देखे हैं, तो लिखते हैं हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर एल वी पी इक्वल टू वन माइनस, ये तो लिखे ही है पी एस माइनस पी नॉट। अब ऐसा करते हैं ये माइनस इधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कह सकते हैं एकदम देखो सिंपल वे में लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, आर एल वी पी प्लस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू कितना, वन लिख सकते हैं। या अब इसको हम लोग इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, बोलो, वन इक्वल टू आर एल वी पी प्लस पी एस बाई। अब देखो इससे सिंपल वे से नहीं बताया जा सकता है सर, और ये जो है इसको हम लोग इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा फाइनली, वन माइनस आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी एस माइनस डिवाइडेड बाय पी नॉट। मतलब हम क्या बोले कि अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ हो और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ हो, तीन का मदद इनके यूज से हम आर एल वी पी निकाल सकते हैं, क्लियर है। ये इसको हम लोग यूज कराते हैं, जब कभी क्वेश्चन देखोगे तो इसका इस फॉर्मूला का यूज होगा, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत ना हुआ हो, आगे बढ़े। चलिए अब एक रॉल्ट साहब थे, रॉल्ट साहब ने क्या कहा, रॉल्ट्स लॉ ऐसे हम फिर से पढ़ेंगे एक बार डिटेल, जस्ट वहां पे हम इनका यूज कर रहे हैं। रॉल्ट साहब ने क्या कहा कि सर आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो आर एल वी पी होता है वो इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैं फिर से बता दूं आपको कि डायरेक्ट ए रॉल्ट का स्टेटमेंट नहीं है, रॉल्ट्स लॉ आपको पढ़ेंगे स्पेशली हम लोग, इसका सॉल्यूशन है कह सकते हैं, रॉल्ट्स लॉ का ये निष्कर्ष है कि आर एल वी पी जो होता है इज इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के।
क्लियर है। अगर हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा और इसको हम बड़ा करते हैं, देखो तो आरएलवीपी को आप क्या लिख सकते हो बाबू, डेल पी बाई पी नॉट लिख सकते हैं क्या। डेल पी क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको मोल फ्रैक्शन हम स्पेशली पढ़ाए हैं, बताए थे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो एन सॉल्यूट हम लोग लिख देते हैं, एन सॉल्यूट बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। जिन किन्हीं को दिक्कत हो आप पीछे घूमेंगे और देखेंगे मोल फ्रैक्शन हम आपको स्पेशली पढ़ाए और मोल फ्रैक्शन में एक चीज बताए हैं। तो हम लोग डेल पी बाई पी नॉट, आरएलबीपी को क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं याद है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम बताए थे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सॉल्यूशन में तो दो ही चीज होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल आ जाएगा कि नहीं, क्लियर। और आगे बढ़े तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, देखो तो आप पी नॉट माइनस पी एस, डेल पी को क्या लिखते थे, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। यहां तक बातें समझ में आ रही है। आरएलबीपी को हम लोग क्या लिखे थे, डेल पी बाई पी नॉट। आगे बढ़े तो डेल पी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, और ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां पे आ जाए तब कंप्लीट एक ही जगह आपको फॉर्मूला दिखने लगेगा। हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, देखो तो आप लोग पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू सॉल्यूट का मोल, किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल। तो सर सॉल्यूट का जो मोल होगा तो कैसे निकालने होंगे, वेट दिया होगा डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। तो हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू वन बाई एम वन, डब्ल्यू वन बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट, एम वन बोले तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन बाई एम वन प्लस डब्ल्यू टू बाई एम टू। डब्ल्यू वन फिर से याद कर लो कि डब्ल्यू वन हम किसको बोल रहे हैं, सॉल्यूट के मास को। डब्ल्यू टू किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट के मास को। एम वन किसको बोल रहे हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट को। एम टू किसको बोल रहे हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को। तो जो सॉल्वेंट का मोल चाहिए, अगर हमको सॉल्वेंट का यहां पे मोल चाहिए तो सॉल्वेंट के मोल के लिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास। और हमको पता है ये चैप्टर में कल ही हम बात कर रहे थे कि सर हम इसमें वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ते हैं, फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तब हम लोग क्या करेंगे कि सर ये जो होगा बहुत कम होगा मोल, ये वैल्यू बहुत छोटा होगा और ये वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये छोटे वैल्यू को ऐड से हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी से 1 लाख रुपया लिए हैं आप कर्ज, 1 लाख रुपया में अगर 10 पैसा कम दे तो क्या उहल्ला करने लगेगा, क्या सर 1 लाख के सामने 10 पैसा का कोई इंपॉर्टेंस
नहीं। क्लियर? तो जब भी कभी जोड़ना हो या घटाने हो तो छोटे चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गलती से एक गुना और भाग में मत कर देना। अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो तब छोटे नंबर को आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि 1 लाख में अगर हम 1 लाख है, 1 पर 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 0.1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 लाख, ठीक ना। सिमिलरली अगर माइनस भी रहता 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 0.1 तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही ऐसा रहे इनटू 0.1 तो गलती से भी इसको 1 लाख मत लिख देना। समझ रहे हो कि नहीं? 4 जीरो हो जाएगा, 1 लाख सीधा 10,000 में कन्वर्ट कर गया, ठीक ना। तो ये गलती गुना और भाग में नहीं करोगे, प्लस या माइनस रहे तो वहां पे स्मॉल जो होगा, छोटा सा जो नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंसर पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी जब एनसीईआरटी इस चैप्टर का बनाने जाओगे ना तो बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर एग्जैक्टली आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर एग्जैक्टली मिलेगा, अदरवाइज आंसर मिलता ही नहीं, थोड़ा डेसिमल के बाद आपको चेंजिंग दिखेगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा सो देखोगे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई एम वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टू बाई एम टू। या अब देखो तो ये चीजें बहुत आसान हो गई इतना करने से, इतना करने से क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W1 वन बाई एम वन इंटू एम टू बाई डब्ल्यू टू। क्लियर है? ये बातें समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, आरएल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आरएलबीपी इज इक्वल टू किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसी को हम लोग आगे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इसी को आगे हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कब, जब कोई दिया हुआ हो, वेट और मास दिया हुआ है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, और जब वेरी वेरी डाइल्यूट हो तब आप इसको यूज कर लेना। कैसे किए हैं, बस कुछ नहीं किए, इसको नेग्लेक्ट कर दिए। यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन जो होगा ना, आप सोल्व जब करने जाओगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग जनरली डाइल्यूट मान लेते हैं, क्योंकि आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ही पढ़ना है, तो हम लोग इसको यूज कर लिया करेंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करें इसको। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन ला रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 100, प्योर सॉल्वेंट इज 100 एट गिवन टेम्परेचर। कोई सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर कितना है सर, 100। टेम्परेचर क्यों दिए हैं, एट गिवन टेम्परेचर लिख दिए हैं। हो सकता है क्वेश्चन में देखो टेम्परेचर कोई डिस्क्रिप्टेड हो 25-30 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि
10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिसका मोलिकुलर वेट 100 दिया हुआ है आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ गिवेन सॉल्वेंट एज्यूम करते हैं कि इसका मोलिकुलर वेट हमको दिया हुआ है 200। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड आरएलवीपी। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन हम बनाए हैं कि कोई सॉल्वेंट था जिसका वेपर प्रेशर कितना था सर 100। टेम्परेचर क्यों लिखे हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज कर। अब कह रहा है कि एक 10 ग्राम सॉल्यूट लिए जिसका मोलिकुलर वेट कितना है 100, वो 500 ग्राम सॉल्वेंट में मिला है। 10 ग्राम को मिला है किसमें, 500 ग्राम में, जिसका मोलिकुलर वेट जो सॉल्वेंट था उसका कितना था 200। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बताना है और साथ ही साथ आरएलवीपी बताना है, ठीक है। तो हमको पता है, सीधा फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। आरएलवीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन किसका होता है, सॉल्यूट का होता है। आरएलवीपी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आरएलवीपी इक्वल टू क्या होता है सर, तो पी नॉट माइनस पीएस बाय पी नॉट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू वन बाय एम वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन बाय एम वन प्लस डब्ल्यू टू बाय एम टू होगा क्या। चलिए अभी तुरंत ये देखे थे। अब देखो तो आप पी नॉट क्या था, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ था 100, मैंने लिख दिया 100। माइनस किसका वेपर प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का निकालना है तो उसको हम पीएस लिख देते हैं, बाय पी नॉट के जगह पे फिर से क्या लिख देते हैं 100 इक्वल टू। डब्ल्यू वन क्या था, सॉल्यूट का मास, तो सॉल्यूट कितना ग्राम लिए हैं आप 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना था 100 डिवाइडेड बाय, फिर वो तो वही हो जाएगा 10 बाय 100 प्लस कितना ग्राम में लिए थे 500 ग्राम जिसका मोलिकुलर वेट कितना था 200, सॉल्वेंट यही था ना, सॉल्वेंट कितना लिए थे 500 ग्राम और उसका मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ था 200, तो 500 डिवाइडेड बाय 200। अब कहोगे सर यहां पे तो यूनिट नहीं लिखे सर, तो हम पहले ही बता चुके हैं सर कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो अल्टीमेट कोई यूनिट यूनिटलेस हो जाएगा, और जब ये यूनिटलेस है तो ये भी कैसा होगा, यूनिटलेस ही होगा। सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस पी एस बाई 100 इज इक्वल टू, ऊपर सॉल्व करेंगे तो शायद 0.1 आ जाए, डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5। आगे बढ़ जाए तो 100 माइनस पी एस बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय
2.6। कोई दिक्कत? आगे सॉल्व करें तो 100 माइनस पीएस बाई 100 इज इक्वल टू 1/26। देखो, आपसे पूछा था एक आरएलवीपी निकालने के लिए। क्या पूछा था? आरएलवीपी। और आरएलवीपी किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो हम निकाल चुके, कितना हो जाएगा? 1/26। दिस इज आरएलवीपी। ये क्या हो गया? आरएलवीपी। लेकिन हमसे तो पीएस भी पूछा है ना, तो आगे सॉल्व कर लो यार। क्या है? 100 माइनस पीएस, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इक्वल टू 100/26। सही कर रहे हैं ना? या आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? माइनस पीएस इज इक्वल टू 100/26। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 100। सॉल्व कर लेना, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी, ये भी किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसा सॉल्व करने आ जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन था, किससे रिलेटेड? आरएलवीपी से रिलेटेड। जब इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेंगे, तो और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और देखेंगे इलिभेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलिभेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, थैंक यू। घर में रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।